करंट इलेक्ट्रिसिटी बेटा पहला पार्ट तो है वो ओम्स लॉ रेजिस्टेंस इज इन सीरीज पैरेलल तो 10th से पढ़ते आ रहे हैं इसे सीरीज में क्या चीज सेम होती है सीरीज में रेजिस्टेंस इज करंट सेम पैरेलल में क्या चीज सेम वोल्टेज तो पुराने कॉन्सेप्ट्स आज यूज करने सारे और प्लस टू में क्या क्या किया आपने प्लस टू में एक तो हमने ड्रिफ्ट वेलोसिटी का फॉर्मूला किया याद आ गया इलेक्ट्रिक फील्ड के साथ है ना वीडी इज इक्वल टू साइन तो अगर डायरेक्शन निकालनी हो तब जरूरत है अदरवाइज बिना साइन के भी चलेगा वेक्टर डालना ऊपर से ई चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड कंडक्टर के अंदर वैसे कंडक्टर के अंदर फील्ड होता नहीं कंडक्टर को आपने चार्ज कर लिया सारा चार्ज सरफेस पे आता है अंदर फील्ड नहीं होता फील्ड बनाने के लिए यू नीड अ बैटरी पोटेंशियल डिफरेंस उसके बाद फील्ड एग्जिस्ट करेगा तो फील्ड को लिखोगे वोल्ट अप्लाइड डिवाइड बाय लेंथ ऑफ द कंडक्टर एम है मास ऑफ इलेक्ट्रॉन टाउ है रिलैक्सेशन टाइम यानी जब इलेक्ट्रॉन्स जो है वो दो कोलिजंस के बीच में कितना उनको टाइम मिलता है दो सक्सेसिव कोलिजंस के बीच में एवरेज टाइम ये टाइम जो है ये टेम्परेचर बढ़ने से कम होगा क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स की स्पीड तेज हो जाएगी ना जैसे शादी वाला वीडियो अगर हम तेज चलाएं तो जो बंदे खाना खा रहे होते हैं पहले तो आराम से खा रहे होते हैं अगर वीडियो को फास्ट कर दे तो यू नहीं हो जाता यानी दो सक्सेसिव बाइट्स के बीच में जो टाइम ड्यूरेशन है क्या होगा कम हो जाएगा ना उस तरह से इलेक्ट्रॉन्स का जो स्पीड है अगर इंक्रीज होगा थर्मल वेलोसिटी बढ़ेगी तो दो कोलिजंस के बीच का टाइम जो है वो कम हो जाएगा दूसरा फॉर्मूला था करंट एंड ड्रिफ्ट वेलोसिटी वाला एन ई ए वी डी ये जो एक मोबिलिटी वाला कॉन्सेप्ट है वो कभी कभी सेमीकंडक्टर में यूज करना पड़ता है ड्रिफ्ट वेलोसिटी पर यूनिट इलेक्ट्रिक फील्ड तो फिर ये तीन रह जाएंगे दो तो कांस्टेंट हैं, टाउ जो है वो टेम्परेचर डिपेंडेंट है चलिए अगर हम VD की वैल्यू यहां से पुट कर दें तो निकलता था ओम्स लॉ ठीक है इलेक्ट्रिक फील्ड को वोल्ट पर यूनिट लेंथ रख दें तो फिर V इक्वल टू IR की फॉर्म में आ जाता है और रेजिस्टेंस में कुछ पैरामीटर्स थे जो कंडक्टर की ज्योमेट्री पे डिपेंड करते हैं लेंथ एंड एरिया और कुछ पैरामीटर ऐसे हैं जो कंडक्टर के नेचर पे डिपेंड करता है उसको बोला था रेजिस्टिविटी R इक्वल टू रो इनटू L बाय A तो रो इक्वल टू L छोड़ दो यहां से A छोड़ दो दैट इज M ओवर N E स्क्वायर टाउ उल्टा करेंगे इसको तो क्या आएगा कंडक्टिविटी एक रिलेशन जो है डेरिवेशन में भी आता है प्लस टू में कम आता है यानी फ्रीक्वेंट नहीं है जो करंट डेंसिटी है यानी कि करंट पर यूनिट एरिया उसका इलेक्ट्रिक फील्ड से रिलेशन निकालो तो करंट वाज एन ई ए वी डी वी डी की जगह बेटा ये पुट कर दिया एरिया को नीचे ले गए करंट बाय एरिया करंट डेंसिटी होती है और इलेक्ट्रिक फील्ड को अलग छोड़ दिया ये चेक करो सेम है जरा दोनों है ना तो करंट डेंसिटी इज इक्वल टू कंडक्टिविटी इनटू इलेक्ट्रिक फील्ड ये भी याद कर लेना हो सकता चार ऑप्शन इसके बना दिए जाए कभी सिग्मा नीचे कभी यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस तो चार ऑप्शन बनाने इसी से बन जाएंगे इसके अलावा रेजिस्टेंसेस जो हैं वो कंडक्टर वाले केस में बेटा टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ेंगे रीजन नीचे रिलैक्सेशन टाइम है जैसे जैसे टेम्परेचर बढ़ाओगे रिलैक्सेशन टाइम कम होता है डिनोमिनेटर कम होगा तो भाई न्यूमरेटर यानी ओवरऑल वैल्यू इंक्रीज होगी लेकिन जो सेमी कंडक्टर्स हैं उनमें जो ये नंबर है स्मॉल एन यानी कि डेंसिटी ऑफ फ्री इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम वो टेम्परेचर बढ़ाने से बढ़ती है तो उसमें दो चेंजेस आते हैं ये भी बढ़ता है और ये कम होता है बट इसका जो चेंज है वो काफी बड़ा है एज कम्पेयर टू दिस वन तो सेमी कंडक्टर का रेजिस्टेंस विद इंक्रीज इन टेम्परेचर डिक्रीज हो जाएगा रेजिस्टिविटी भी कम होगी एक टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस था किसी किसी क्वेश्चन में हो सकता है यूज करना पड़ जाए बट नॉट दैट फ्रीक्वेंट
अल्फा यानी चेंज इन रेजिस्टेंस पर यूनिट ओरिजिनल रेजिस्टेंस पर यूनिट राइज इन टेम्परेचर, क्योंकि ये टेम्परेचर का डिफरेंस है, इट डजंट मीन कि आपको इसको केल्विन में ही लिखना, डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर सेल्सियस स्केल पे और केल्विन स्केल पे सेम होता है, तो पर डिग्री सी भी कर सकते हो। अल्फा हर मटेरियल का अलग अलग है, इस पे बेस्ड रेयर केस में क्वेश्चन हो सकता है। कलर कोडिंग ऑफ रेजिस्टेंस याद होगा सभी को, बी बी रॉय ऑफ ग्रेट ब्रिटेन, वेरी गुड वाइफ, याद आ गया, तो वो याद कर लेना आप फिर से, अगर जरूरत पड़ी तो लिख भी लेना साइड में, कोई बात नहीं है, जीरो से स्टार्ट करना, बस ये ध्यान रखना। हो गया तो अब कुछ क्वेश्चंस पे आते हैं। पहले क्वेश्चन नंबर 8 है जो आपको फाइल सेंड की हुई है। इन अ कंडक्टर इफ नंबर ऑफ कंडक्शन इलेक्ट्रॉन्स पर यूनिट वॉल्यूम यानी स्मॉल एन की वैल्यू 8.5 × 10^8 तो उसकी अप्रोक्सीमेट रेजिस्टिविटी क्या होगी, तो बेटा रेजिस्टिविटी का फॉर्मूला आपको आता है, ठीक है, तो रो इक्वल टू एम बाय एन ई स्क्वायर, वेरी गुड, करो सारा कुछ लिखा हुआ, सॉल्व कर देना, कर लेंगे इसको अपने आप, छोड़ दो, आगे चलो जी। ड्रिफ्ट वेलोसिटी दी हुई है, नहीं ड्रिफ्ट वेलोसिटी निकाल ली है इन मिलीमीटर पर सेकेंड, करंट गिवन, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन गिवन, और डेंसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन्स गिवन, चार्ज ऑफ इलेक्ट्रॉन गिवन, एन ई ए बी, कर लोगे, छोड़ दो इसको भी। चलिए अब कलर कोडिंग पे क्वेश्चंस है कुछ 2019 के। एक 200 ओम का रेजिस्टर था with some definite color codes, if one replaces red color by green, red का code क्या था, 2 मतलब 200 लिखा हुआ था अपने पास, और तो red नहीं आएगा ना, red का 2, फिर आएगा black, फिर 10^1 है, फिर आएगा brown, तो red एक ही जगह शुरू में red है, उस रेड को हमने ग्रीन से रिप्लेस कर दिया, ग्रीन का कोड क्या था, 5 है, ग्रीन का 5 तो 2 को हटा के 5 कर दो, आंसर आ गया 500 ओम, समझ आया। अब एक क्वेश्चन है कि अगर एक कॉपर वायर को स्ट्रेच किया बाय 0.5% परसेंट चेंज इन इट्स इलेक्ट्रिकल रेजिस्टेंस अगर वॉल्यूम रिमेन्स कॉन्स्टेंट, ये एक छोटा सा कॉन्सेप्ट है, पहले सीख लो जरा। देखो अगर बेटा वॉल्यूम कॉन्स्टेंट रखना है, वॉल्यूम इज सम कॉन्स्टेंट के, देन वॉल्यूम होता है एरिया ऑफ सिलेंडर इंटू हाइट ऑफ सिलेंडर, वायर इज अ सिलेंडर, एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन ए इंटू एल, ये वॉल्यूम हो गया, तो वॉल्यूम अगर कॉन्स्टेंट है तो क्या हम एरिया को दैट कॉन्स्टेंट बाय एल लिख सकते हैं, इट मीन्स हम रेजिस्टेंस को जो कि रो एल बाय ए होता है, मैं ए को यहां पे पुट करूं तो रो बाय नीचे के ऊपर एक एल आएगा और एल स्क्वायर, तो बेटा रेजिस्टेंस इज प्रोपोर्शनल टू लेंथ का स्क्वायर। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एक वायर को आपने साइज में 3 times कर दिया तो रेजिस्टेंस कितने टाइम्स हो जाएगा, 9 times, याद रहेगा, एल स्क्वायर कर देना, फिर तो वॉल्यूम कांस्टेंट है, जैसे वो आटा गूंदा हुआ होता है उसको ऐसे ऐसे कर देंगे
तो भाई लेंथ छोटी हो जाएगी, एरिया बढ़ जाएगा। इस तरह से रोल करेंगे तो साइज लॉन्गर, एरिया कम होता जाएगा, वॉल्यूम रिमेन सेम। तो वायर वही है, उसको रिकास्ट करके कोई और साइज बना दिया तो उसमें ये चलेगा। हाँ, अगर आपने उसको ऐसे इकट्ठा कर लिया तो लेंथ कम होगा। मान लो आपने लेंथ को हाफ कर दिया तो रेजिस्टेंस लेंथ को हाफ कर दिया, रेजिस्टेंस 1/4 हो जाएगा। अगर लेंथ को आपने 1/n कर दिया, 1/n² आ जाएगा। लेकिन आपको बताया गया था कि अगर जो चेंज है वो कम हो 5% से भी, चेंज जो है अगर 5% से कम, फिर क्या लगाना है? एरर वाला मेथड लगाना है। एरर वाले मेथड में क्या था, डेल्टा आर बाय आर इनटू 100, याद आ गया? लेंथ का पावर 2 को आगे लगा दो बेटा, 2 इनटू डेल्टा एल बाय एल इनटू 100। ये आपको दिया हुआ है, छोटा चेंज है 0.5%, तो 0.5% का डबल कर लो, कितना? 1%। तो रेजिस्टेंस में चेंज आएगा बेटा 1%। एनी डिफिकल्टी? यानी अगर तो बड़ा चेंज है, डबल कर दी, ट्रिपल कर दी, 4 times कर दी, फिर तो यही लगाना है। अगर चेंज जो है 5% से भी कम है, उस केस में आपको ये मेथड यूज करना है एरर वाला, यानी कि जितना चेंज लेंथ में आया उसको जस्ट डबल करना है। इससे ज्यादा तो नहीं हो सकता क्वेश्चन ना, डबल ही तो करना है, और क्या करना है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन जो है फिर से कलर कोडिंग पे है। रेड का कोड बेटा 2, वायलेट का 7, ऑरेंज का 10^3। तो कौन सा आंसर? सी ऑप्शन 2 7 10^3। सिल्वर में कितने परसेंट होते हैं? 10%। समझ आ गया सभी को? इधर आ जाओ जी बेटा। अ 2-watt कार्बन रेजिस्टर इज कलर कोडेड विद ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। ये थोड़ा गलत लिखा हुआ है यहाँ पे, ग्रीन, ब्लैक एंड रेड। तो मैक्सिमम करंट जो इसमें से पास हो सकता है वो कितना होगा? पहले तो कलर कोड से रेजिस्टेंस निकालो, जी क्या है? ग्रीन का कोड क्या है? ब्राउन वाला नहीं है, नहीं ब्राउन वाला नहीं है, वो गलत लिखा। ग्रीन का कोड क्या है? 5। ब्लैक का 0। रेड 2, मतलब 2 0 और आएंगे, ये रेजिस्टेंस आ गया। रेजिस्टेंस आ गया और हमें पावर दिया हुआ है 2 watt। अब रेजिस्टेंस और पावर का फॉर्मूला करंट के साथ, करंट निकालना है ना, आई स्क्वायर इंटू आर इक्वल टू पावर। तो आई स्क्वायर बेटा हुआ 2/5000। इसको मैं 20/5, 10 मैंने और लगा दिया यहाँ पे, तो इधर क्या करना पड़ेगा? 10^-4 -4, 3 था ना पहले, कितने पे आंसर? 4। रूप लिया जा सकता है इसका? Yes, 2 × 10^-2 आंसर मिली एम्पियर में है। मिली तब बनेगा अगर -3 लेके आओगे, 20, इधर -3 कर लो बेटा, इधर 20, तो 20 मिली एम्पियर बेटा। क्लियर हो गया? चलिए एक क्वेश्चन और करते हैं। रेजिस्टेंस का वैल्यू निकालना है, ग्रीन, ऑरेंज, येलो, गोल्डन हो जाएगा। ग्रीन का गोल्ड 5, ऑरेंज 3, तो 53 हो गया। 53 दो जगह लिखा हुआ है, आगे चलो। येलो का कोड 4, 53 × 10^4 किलो। गोल्डन में 5% होता है। डिफिकल्टी
अब आते हैं रेजिस्टेंसेस पे, रेजिस्टेंस वाला पेज नहीं आया अभी तुम्हें, नहीं अच्छा ये यही आएगा पहले क्वेश्चन, ठीक है। हमें दिए हैं बेटा दो स्फीयर्स, दो स्फीयर दिए हैं कंसेंट्रिक, अंदर वाले का रेडियस है a, द आउटर वन हैज रेडियस b. देर आर टू कंसेंट्रिक स्फीयर्स ऑफ रेडियस a एंड b रिस्पेक्टिवली, द स्पेस बिटवीन देम इज फिल्ड विद मटेरियल ऑफ रेजिस्टिविटी रो, इसकी रेजिस्टिविटी रो है बेटा। देन रेजिस्टेंस ऑफ द इंटर गैप बिटवीन द स्फीयर्स, ये जो गैप है बना इस गैप का रेजिस्टेंस क्या है। अब रेजिस्टेंस जो था बेटा वो था इक्वल टू रो इनटू एल बाय ए, ठीक है। अब एरिया में प्रॉब्लम क्या है, यहां पे एरिया था कम, थोड़ा बाहर गए एरिया ज्यादा हो गया, थोड़ा और गए एरिया और बढ़ गया, तो इसमें वेरिएशन आने शुरू हो गए। तो इस केस में भी करना पड़ेगा इंटीग्रेशन, यानी पहले आप थोड़े से पार्ट का रेजिस्टेंस निकालो। तो ऐसा करते हैं यहां से डिस्टेंस एक्स पे जाओ आप, और एक थिन स्फीयर ड्रॉ करो, यानी कि शेल ड्रॉ कर लो। रेडियस इसका एक्स और इसकी जो थिकनेस है जिसमें से करंट को पास होना है उसको लिख लो बेटा डीएक्स। तो इस फॉर्मूले के हिसाब से जो थोड़ा सा रेजिस्टेंस होगा डी आर इस पार्ट का, रेजिस्टिविटी सेम है सभी जगह, रो तो यही आएगा। करंट को कितने लेंथ को क्रॉस करना है, डीएक्स, तो एल की जगह डीएक्स बेटा। और कितना एरिया है ये वाला बेटा, 4 पाई एक्स स्क्वायर। सारा रेजिस्टेंस निकालने के लिए इंटीग्रेट, ये जो मटेरियल है वो ए से शुरू होके बी तक फैला हुआ है, तो लिमिट्स फ्रॉम ए टू बी, तो डी आर का इंटीग्रल तो बेटा आर आ जाएगा, अपर लिमिट आर डालेंगे लोअर जीरो, रो बाहर आ गया, 4 पाई भी बाहर आ गया, 1 बाय एक्स स्क्वायर होता है एक्स पावर माइनस टू, ऊपर ले जाके एक्स पावर माइनस टू का इंटीग्रल क्या आएगा, एक्स पावर माइनस वन बाय माइनस वन, प्लस वन करना होता है, माइनस टू प्लस वन, एक्स पावर माइनस टू था उसमें वन ऐड किया, नए पावर से डिवाइड किया बेटा क्या आया, एक्स पावर माइनस वन बाय माइनस वन, यानी कि माइनस वन बाय एक्स, तो यहां पे आंसर आया माइनस वन बाय एक्स। अब लिमिट पुट करनी है, अपर लिमिट डालोगे बी माइनस वन बाय बी, लोअर लिमिट डालोगे वो प्लस हो जाएगा माइनस माइनस वन बाय ए। देखो तो बेटा कौन सा आंसर सही बैठ रहा है, 1 by a positive and 1 by b negative, बड़ा क्लियर हो गया आपको ये भी। चलो बेटा नोट कर लो, चलिए सीरीज में बेटा क्या सेव, पैरेलल में वोल्टेज, सीरीज में क्या डिस्ट्रीब्यूट, वोल्टेज, पैरेलल में क्या डिस्ट्रीब्यूट, करंट, ये सारे पैरामीटर यूज होने कॉम्पिटिशन में। चलिए सीधा प्लस करना होता है रेजिस्टेंस को, उधर रेसिप्रोकल प्लस करने होते हैं, बट अगर सिर्फ दो ही हुए फिर आर वन इंटू आर टू कर लो, नीचे आर वन प्लस आर टू कर लो, वोल्टेज गेट्स डिवाइडेड इन डायरेक्ट रेशियो ऑफ रेजिस्टेंस, करंट गेट्स डिवाइडेड इन इनवर्स रेशियो, हायर रेजिस्टेंस मतलब कम करंट, एन रेजिस्टेंस हो गया एक जैसे तो एन आर, उधर एक ही जैसे n रेजिस्टेंस होंगे तो r by n, ये क्विक फॉर्मूले हैं, मतलब ये मोस्टली यूज होने हैं, बाकी क्वेश्चन तो हर बार अलग तरह का होता है।
तो क्वेश्चंस पे आते हैं. क्वेश्चन है, अ वायर ऑफ रेजिस्टेंस आर इज बेंट टू फॉर्म अ स्क्वायर. ए बी सी डी एज शोन इन द फिगर. इफेक्टिव रेजिस्टेंस बिटवीन ई एंड सी, यानी अगर मुझे कनेक्शन देना है इस पॉइंट और इस पॉइंट में, ई को जोड़ूंगा बैटरी से और सी को जोड़ेंगे बैटरी से, तो कितना रेजिस्टेंस होगा? तो बेटा बैटरी के पॉजिटिव से करंट निकलेगा और इधर करंट आ रहा है, तो करंट को जाने के दो रास्ते हैं. देखो जरा, am I right? कुछ करंट इधर से आएगा, कुछ इधर से आएगा. करंट अगर डिवाइड हो गया, कौन सा कॉम्बिनेशन? पैरेलल. तो ये पैरेलल में है. अब इस तरह के 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 आठ हिस्से हैं, 8 पार्ट्स. टोटल रेजिस्टेंस था अपना आर, जिसको ऐसे घुमाया हमने, तो हर पार्ट का रेजिस्टेंस क्या हुआ? आर बाय एट. इधर एक हिस्सा है आठ में से, तो इसका रेजिस्टेंस आर बाय एट. इधर कितने पार्ट्स हैं? 7 बाय 8. इधर कितने पार्ट्स हैं? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. तो इसका रेजिस्टेंस होगा बेटा 7 आर बाय 8. तो ये दोनों है पैरेलल. पैरेलल में क्या करते हैं हम, आर वन इंटू आर टू दो हुआ अगर ना, ओवर आर वन प्लस आर टू. बेटा इसमें ये ऐड किया वो तो सारे रिश्ते आ जाएगा, उसको आर लिखो. आर से एक आर कैंसिल, 7 आर बाय 64. देखो आंसर मैच हुआ. ठीक है, कोई डाउट बेटा? चलिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं. In the figure shown, what is current in ampere drawn from the battery? You are given R1 कितना? 15. R2 कितना? 3. 4. 5. 6. 30. ये तीनों क्या? कितना? 50 and 10 हो जाएगा. इतना भी डायरेक्ट में बैठो. ये दोनों बेटा क्या है? पैरेलल में R1 into R2 upon R1 plus R2. 50 by 6. तो ये सारा 50 by 6 हो गया. यहाँ से जो करंट चला वो पहले इसमें से जाएगा, फिर 50 by 6 में से जाएगा, फिर 30 में से जाएगा. तो तीनों सीरीज, तो 50 by 6 बेटा कितना बना? 45 by 3. यहाँ फ्रैक्शन में दिया हुआ है, आप 50 by 6 रहने दो इसको. 50 by 6 plus 15 plus 30 यानी plus 45. तो बेटा LCM 6. गड़बड़ तो नहीं आ रही है? 50, 10 सही है. चलिए LCM 6 बेटा इधर क्या लिखे? 270. इधर 270. 270 कितना बना? 320 by 6 यानी बेटा कुछ गड़बड़ा है. टोटल रेजिस्टेंस आ गया आपका, ये आ गया 3 और ये आ गया बेटा 160. अब निकालना करंट. करंट इक्वल टू वोल्ट बाय रेजिस्टेंस. वोल्ट कितने हैं बेटा? 15 बाय रेजिस्टेंस. ये लिखना बेटा 163. सही है, 5 पे कैंसिल कर दो. इधर 3, इधर आएगा 32, 9 by 32. मैच कर गया देखो जरा. चलो क्लियर हो गया, मुश्किल तो नहीं है?
ठीक है, चलिए इसको करेंगे अपने आप, यहाँ से नोट नहीं करना अपने आप, यू मस्ट ट्राई योरसेल्फ। एक क्वेश्चन और देखते हैं, एक मेटल वायर है, क्वेश्चन पढ़ लो मीन भाई फटाफट चला, उसको खींच दिया बेटा मेटल वायर को, सो दैट उसका यूनिफॉर्म वायर थी, सो दैट द लेंथ बिकम्स डबल, डबल मतलब कितना रेजिस्टेंस हो गया, नाइन हुआ, अभी तो बता के हटो, लेंथ का स्क्वायर डबल, डबल का स्क्वायर, डबल का स्क्वायर तो फोर टाइम्स हो गया, पहले थ्री था, अब कितना हो गया, अब कितना हो गया 12, तो वायर 12 ओम की हो। नाउ द न्यू वायर इज बेंट टू ज्वाइन द एंड्स टू मेक अ सर्कल, 12 ओम सर्कल। अब उस सर्कल पे हमने दो पॉइंट्स चूज करने हैं विच आर सेपरेटेड बाय 60 डिग्री, ये हो गया बेटा पॉइंट ए और ये हो गया पॉइंट बी। टोटल एंगल कितना होता है 360 का कितना फ्रैक्शन 60 है, 1/6, तो ऐसे रेजिस्टेंस का भी आएगा, 12 ओम आया ना, 12 का 1/6 क्या आएगा, तो ये वाला रेजिस्टेंस क्या हुआ, तो बेटा यहाँ पे लगा हुआ है एक तरह का 2 ओम, और बाकी बचा हुआ ऊपर होगा, तो ये क्या हुआ बेटा 10 ओम। क्वेश्चन है कि इन दो पॉइंट्स के बीच में अगर बैटरी लगाई जाए तो भाई कितने ओम का रेजिस्टेंस होगा, तो कौन सा कॉम्बिनेशन, करंट डिवाइड हो गया ना, पैरेलल, पैरेलल में 10 और 2, ऊपर मल्टीप्लाई नीचे ऐड, 5/3 ओम, बेटा क्लियर हो गया। तो क्वेश्चन को पढ़ लो दो बार पहले तो सही से, और उसके बाद फिर एक रेलिवेंट डायग्राम ड्रॉ करो, ठीक है, दिमाग में चलाना प्योरली कि चलो ऐसे खींच देंगे हम, तो जल्दी नहीं करना, क्वेश्चन सही करो, एक्यूरेसी लेके आओ उसमें, तो क्वेश्चन को ध्यान से पढ़ो, रेलिवेंट डायग्राम ड्रॉ करो और जो टिप्स बताई हुई हैं उनको फॉलो करो, ठीक है, फिर होगा आराम से, आराम से करना है, जल्दी जल्दी में बेटा हो सकता सारे ही गलत हो जाए, यानी करके तो क्वेश्चंस हम आए से 75 थे, उसमें मैंने 70 कर दिए, पर 70 में से दो चार ठीक है बाकी सारे गलत है। एक और बच्चा है वो 75 में सिर्फ 30 करके आया और वो 30 के 30 सारे ठीक है, तो खुद सोचो किसके नंबर ज्यादा आएंगे, है ना, सोचने की बात है, वो ये मत सोचो कि बहुत जल्दी जल्दी बहुत कुछ कर।